अथ वेदस्वाध्यायः पृष्ठसंख्या 35। अद्य महर्षि दयानंद प्रणीतस्य यजुर्वेद भाष्य ग्रंथस्य 32तमाध्यायस्य 11 मंत्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। तत्र स्वाध्यायमान मंत्रस्य ओम परित्य भूतानि परित्य लोकानि इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। पृष्ठसंख्या 35। ॐ परेत्य भूतानि परेत्य लोकान् परेत्य सर्वः प्रदिशो दिशश्च उपस्थाय प्रथमाजामृतस्यात्मनात्मानमभिसंविवेश। परित्य इति परित्य भूतानि परित्य इति परित्य लोकान् परित्य इति परित्य सर्वाः प्रदिशा इति प्रदिशाः दिशाः च उपस्थाय इति उपस्थाय प्रथमाजाम इति प्रथमाजाम ऋतस्य आत्मना आत्मानम् अभि सम विवेशा। परित्य इति यस्य स्वयंभु ब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता नित्रित्रिष्टुप छंदः दैवतः स्वरः। पुनः तम एव विषयम आह, फिर उसी विषय को अर्थात परमात्मा कैसा है इस विषय को प्रस्तुत मंत्र में कहते हैं। पदार्थः संस्कृत भाषायाम परित्य परितः सर्वतः अभिव्याप्य भूतानि परित्य लोकान् द्रष्टव्यान् पृथ्वी सूर्य आदीन परित्य सर्वः प्रदिशः आग्नेयाद्य उपदिशः दिशः पूर्वाद्यः च अधः उपरि च उपस्थाय पठित्वा संसेव्य व प्रथमजाम प्रथमोत्पन्नाम वेद चतुष्टयीम ऋतस्य सत्यस्य आत्मना स्वस्वरूपेण अंतःकरणेन च आत्मानं स्वरूपम अधिष्ठानं वा अभि आभिमुख्ये सम सम्यक् विवेशा प्रविशति। अन्वयः हे विद्वन् त्वं यो भूतानि परित्य लोकान् परित्य सर्वः प्रदिशो दिशश्च परित्य ऋतस्य आत्मानं अभि संविवेश प्रथमा जाम उपस्थाय आत्मना तम प्राप्नुहि। भावार्थः संस्कृत भाषायां हे मनुष्याः यूयम् धर्म आचरण वेद योग अभ्यास सत्संग आदि भी कर्म भी शरीर पुष्टिम आत्म अंतःकरण शुद्धिम च संपाद्य सर्वत्र अभिव्याप्तम परमात्मानं लब्धवा सुखिनः भवता। पदार्थः आर्य भाषायाम हे विद्वान आप जो भूतानि प्राणियों को परित्य सबोर से व्याप्त होके लोकान पृथ्वी सूर्य आदि लोकों को परित्य सब ओर से व्याप्त होके च और ऊपर नीचे सर्वः सब प्रदिशः आग्नेय आदि उपदिशा तथा दिशः पूर्वादि दिशाओं को परित्य सब ओर से व्याप्त होके ऋतस्य सत्य के आत्मानं स्वरूप व अधिष्ठान को अभि सम विवेश सम्मुक्ता से सम्यक प्रवेश करता है। प्रथम जाम प्रथम कल्प आदि में उत्पन्न चार वेद रूप वाणी को उपस्थाय पढ़ व सम्यक सेवन करके आत्मना अपने शुद्ध स्वरूप व अंतःकरण से उस ईश्वर को प्राप्त हुजिए। भावार्थः आर्य भाषायाम हे मनुष्यो तुम लोग धर्म के आचरण वेद और योग के अभ्यास तथा सत्संग आदि कर्मों से शरीर की पुष्टि और आत्मा तथा अंतःकरण की शुद्धि को संपादन कर सर्वत्र अभिव्याप्त परमात्मा को प्राप्त होके सुखी हो। इति वेद स्वाध्यायः।